आप देख रहे हैं TNB। 84 वार्ड में मैंने काम उसमें शुरू करा दिया था। मिलिट्री वाले ने सारे हमारे पाइप भी उठा के ले गए और हमारे खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। लेकिन सर वहाँ कह रहे हैं कि अगर 4 बूंद बारिश की अगर पड़ जाए तो घरों में पानी चला जाता है, सीलन आ जाती है पूरे घर में, उसका निपटारा कैसे किया जाए? मैडम उसी वजह से हम लोगों ने वहाँ पाइप सीवर के पाइप लगा के पीछे लाइन डाली थी, उसमें मिलाने की बात की थी और यहाँ जब लेके आए वहाँ पाइप कॉन्ट्रेक्टर काम शुरू करने रहा तो वहाँ मिलिट्री के लोग आ गए, मिलिट्री के लोगों ने वहाँ से उठा के ले। लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली पुलिस ये हमारे हाथ में नहीं है, दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं। दिल्ली सरकार जो है एक पूरी सरकार नहीं है। नशे की समस्या जो है काफी हद तक कम हुई थी, फिर दोबारा हो जाती है। टोटल काम जितना है मिलिट्री के लोगों ने रोका, हम लोगों के पास बजट सैंक्शन है, सब चीज मैंने अपने विधायक फंड से भी पैसे दे दिए थे। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको पूरी पावर्स नहीं है, कोई भी फाइल होती है LG साहब उसको रोक के बैठ जाते हैं। जो अपने दिल से पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं केजरीवाल साहब, उस काम में वो रुकावट डालते हैं। पूरे क्षेत्र का जितना काम हमारा हुआ हम उसको पूरी तरह से करेंगे। चांदनी चौक विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रहलाद सिंह सानी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर चांदनी चौक विधानसभा है, चांदनी चौक वार्ड भी है, सिविल लाइंस वार्ड भी है, आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? सब पे झाड़ू आ रहा है। सब पे झाड़ू आ रहा है, किस दावे के साथ कह रहे हैं? काम किया है, काम की वजह से आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो बाकी लोग हैं सिविल लाइंस वार्ड की अगर बात करें, सिविल लाइंस वार्ड में एक जगह है 84 लेन, वहाँ पर जो है वो कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, अलका लांबा जब थी उन्होंने ही काम किया। मैडम वहाँ ऐसी जगह है 84 वार्ड में, मैंने काम उसमें शुरू करा दिया था जी। सीवर लाइनें हमने डालने के शुरू कर दिया, सारा सीवर का पाइप आ गया, सब चीज़ काम हो गया। बेसिकली ये जगह जो है मिलिट्री की है, मिलिट्री वाले ने सारे हमारे पाइप भी उठा के ले गए और हमारे खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। आज भी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड है कॉर्पोरेशन के खिलाफ और ये काम नहीं हो रुका का। सर आप विधायक होते हुए क्या आपने वहाँ पे मतलब आप कभी वहाँ गए हैं या वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुना है या क्या कमियाँ हैं उसको पूरा किया है कभी? मैडम जितना वहाँ डेवलपमेंट हुई है, पानी के मीटर, बिजली के मीटर, वहाँ खड़ंजे सब मैंने बिछवाया। लेकिन सर वहाँ कह रहे हैं कि अगर 4 बूंद बारिश की अगर पड़ जाए तो घरों में पानी चला जाता है, सीलन आ जाती है पूरे घर में, उसका निपटारा कैसे किया जाए? मैडम उसी वजह से हम लोगों ने वहाँ पाइप सीवर के पाइप लगा के पीछे लाइन डाली थी, उसमें मिलाने की बात की थी और यहाँ जब लेके आए वहाँ पाइप कॉन्ट्रेक्टर काम शुरू करने रहा तो वहाँ मिलिट्री के लोग आ गए, मिलिट्री के लोगों ने वहाँ से उठा के ले गए। तो अब आगे अगर मान लीजिए अगर आपकी पार्टी जीतती है, आपके यहाँ पे निगम पार्षद बन जाता है आपकी पार्टी का और आप MLA यहाँ के रहेंगे, तो क्या अब वहाँ पर डेवलप होगा, जो कमियाँ हैं उसे पूरा किया जाएगा? मैडम इसके लिए मैं खुद मिनिस्टर को मिल के आया हूँ कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री की जगह है और ये मैंने उनको ये अंडरटेकिंग दी कि जब आप इस जगह को उठाओगे तो हमारे पाइप भी उठा लेना। जब तक ये लोग यहाँ रह रहे हैं उनको सीवर और पानी की वंचित मत करो, जो फैसिलिटी दूसरी कॉलोनियों में मिलती है जब तक ये रहेंगे तब तक ये फैसिलिटी इनको दे दो। वहाँ पर सर एक बहुत बड़ा खत्ता भी है जहाँ कूड़ा है, वहाँ पे एक दीवार बनाने की बात भी कही है जो टूटी हुई है, वो उसका काम कब तक हो? मैं मैडम सब कह तो रहा हूँ, टोटल काम जितना है मिलिट्री के लोगों ने रोका, हम लोगों के पास बजट सैंक्शन है, सब चीज़ मैंने अपने विधायक फंड से भी पैसे दे दिए थे और स्लम डिपार्टमेंट से भी हमने ये शुरू करा दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे वाला धोबी लेन है वहाँ पर भी यही हाल है, हम लोग वहाँ पैसे दे के और हमने काम शुरू करा दिया था। और अगर सर वहीं अगर मजनू कटीले की बात की जाए, वहाँ पर भी नशे की समस्या लगातार सामने आ रही है, उस पर कैसे अंकुश लगा है? देखो मैडम नशे की समस्या जो है काफ़ी हद तक कम हुई थी जी। फिर दोबारा हो जाती है, इसमें रेगुलर कोई MLA या कॉर्पोरेशन का आदमी इन्वॉल्व नहीं हो सकता जी। तो सर इस कैसे इसको निजात मिलेगी, क्या कोई मतलब पुलिस के कोई वैन वहाँ पर या कोई अधिकारी वहाँ पर परमानेंट किए जाए, या आप आगे कभी इसके लिए कोई बात करेंगे? मैडम आपको एक बात बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली पुलिस ये हमारे हाथ में नहीं है, दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं। दिल्ली सरकार जो है एक पूरी सरकार नहीं है जी। जब तक दिल्ली के अंदर पूरी पावर, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको रुकावट आ जाते हैं जी। दिल्ली के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट की हो उसके अंदर रुकावट जो होगी LG साहब की होगी। जब तक हमको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता, पुलिस हमारे साथ नहीं होती पुलिस। अब मेरे को उम्मीद है जिस तरह दिल्ली सरकार के अंदर झाड़ू चला है, झाड़ू के लोग आए हैं MLA सारे झाड़ू, आज आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्द दिल्ली के अंदर झाड़ू की सरकार बनने वाली है, झाड़ू की कॉर्पोरेशन बनने वाली है। हम दोनों मिलकर
एलजी पे जोर डालेंगे और इस काम को कराने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं ऊपर जाके भी इस बात को करूँगा। अब हमें दिक्कत क्या है कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको पूरी पावर्स नहीं है, कोई भी फाइल होती है एलजी साहब उसको रोक के बैठ जाते हैं। जो अपने दिल से पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं केजरीवाल साहब, उस काम में वो रुकावट डालते हैं। तो यानी कि जो विधायक और जो निगम पार्षद के अंडर, अगर निगम पार्षद आपका जीत के आता है तो जो काम आप लोगों के अंडर आते हैं वो आप पूरा करेंगे और जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर रोक के पूरा करेंगे। कॉर्पोरेशन का काउंसलर उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक एक दो नहीं एक एक ग्यारह होकर काम करेंगे। पूरे क्षेत्र का जितना काम हमारा होगा हम उसको पूरी तरह से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे चांदनी चौक के विधायक प्रहलाद सिंह सानी, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर नगर निगम में हमारी सरकार आती है और विधायक भी उन्हीं के हैं तो दो हाथ मिलकर काम करेंगे, काम क्षेत्र में अच्छा होगा और समस्याएं सब सुलझेंगी। साथ ही जिन एरियों की समस्या बताई गई थी उन एरियों की भी समस्याओं को जल्द से जल्द उसका भी समाधान किया जाएगा अगर हमारी पार्टी जीतती है और निगम में भी हमारी सरकार बनती है। तो कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, टीएनबी न्यूज़ दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।